अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि विद्नान का सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है आलू का भरता। और मज़ेदार सा ये जो आलू का भरता है वो कैसे तैयार होगा, इसकी तरकीब जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने जो से हैं वो पोटैटो मैश करके रखे हैं। इनको हमने पहले बॉईल किया था, उसके ऊपर से उसके स्किन को रिमूव करके हमने उसको मैश करके यहाँ पर रख दिया। तो अब मज़ीद ये इसकी जो मज़ेदार सी रेसिपी है बैंगन का आलू का भरता वो कैसे तैयार होगी ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये मैंने आधा प्याज काट लिया तेल में, ठीक। ये मैंने धनिया और बरीक बरीक प्याज आमलेट अंडे की तरह काट लिए, ठीक है। दो हरी मिर्चें भी काट ली हैं और मैश पोटैटो, मतलब जो हम लोगों ने आलू बनाए उसके अंदर ये सब चीज़ें डाल, दो टमाटर डाले इसमें। अच्छा जी, अब ना मैं आपको बताती हूँ ना, ये दादरी मिर्च हाफ टेबल स्पून, हाँ जी, जीरा, ठीक है। बाकी आप अपनी मिर्चें अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, मैं तो बस इतनी सी डाल दूँ, ठीक है। अच्छा, नमक वो भी मैं डाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, हल्दी ना इसमें डालूंगी मसाले के में, ठीक है। तो मतलब क्या आप वहाँ पे प्याज अलग से थोड़ा सा कुछ समझा देना कि ये मज़ेदार सी मतलब रेसिपी की क्या मतलब मेन तरकीब है। ये भरता मान रहा है ना इसका बेटा, ये उबले हुए आलू ने फिर इसमें डालेंगे ना ये। अच्छा, मतलब आपने जो स्पाइस है वो आलू के अंदर ही डाल दिए हैं, अलग से आपने मतलब नहीं डाले, मतलब प्याज ब्राउन करने के बाद डालते उस तरह वाला नहीं है। हाँ नहीं, ये सब चीजें इसे ब्राउन करके ना टमाटर डाल के इसमें जी जी ये रस मिसासा करके बना के ना फिर ये सारी चीजें इसमें डालूंगी, ठीक है। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी जोन सी है आज की रेसिपी आलू का भरता, वो तैयार होने वाली है। आलू का भरता बहुत लोगों को पसंद होता है और ये आलू की एक डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत जल्दी और इजीली बन जाएगी। हाँ, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। हाँ जी, आप उधर आ जाएं, ठीक है। तो व्यूअर्स को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये हल्के से ना मतलब बदलने है इसका ना कलर, सरा सा बदल जाए प्याजों का, मतलब लाइट से ब्राउन करने हैं। बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। लाइट से इनको ब्राउन करना है तो अभी थोड़ी सी तकरीबन देर लगेगी, तो इनको ब्राउन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने इन प्याजों के अंदर जो से हैं वो टमाटर भी काट कर शामिल कर दिए हैं। तो दो अदर हम लोगों ने टमाटर लिए थे, ये देखें। तो प्याजों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं कलर दिया, बस लाइट सा, और ये हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। ये देखें कितनी मज़ेदार माशाल्लाह खुशबू आई है इसकी। जब मम्मा ने इसको भूनना शुरू किया है तो इसकी बनाई की बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। तो अब वही आलू जो हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करके, क्योंकि उनके अंदर हम लोगों ने नमक मिर्च वगैरह शामिल किया था, इसके अंदर शामिल कर देने हैं। हाँ जी, ये टमाटर ज़रा से नरम हो जाए और इसे भूनते हैं अच्छी तरह, क्योंकि लहसुन तो इसमें डालना नहीं ना। आप बनाएं, बहुत मज़े का बनता है, सीज़न है आलूओं का तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। ये सुबह के टाइम नाश्ते में भी ये अच्छा लगता है, वैसे भी रोटी के साथ भी खा लेते हैं बच्चे शौक से। अब मैं बना रही हूँ ना तो बच्चे माशाल्लाह खा लेंगे। रोज़ाना पकाने का बहुत मसला है, क्या बनाएं रोज़ाना। अगर आलू उबाल के पहले रख लें ना तो थोड़ा देर पहले मसाला लगा लें तो फिर ज़्यादा अच्छा रच जाते हैं। क्योंकि मैंने ना आपके सामने लगाना था ना मसाला, तो मैंने इसलिए ना उसी वक्त लगा लिया। तो मतलब अगर आप लोग अपने घर में बनाएं तो आप लोग इसकी मतलब जैसे मैगिनेशन हम लोग करते हैं। ये देखिए, ये वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना प्यारा लग रहा है दिखने में, ज़बरदस्त सा खिला खिला सा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना आपने। ओके, हाँ जी, दस मिनट में तैयार हो जाना इसने। बस ये है कि आलू गल उबालने में टाइम लगा बस। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो आलू जो से वो बॉईल किए हुए हैं। हाँ जी, तो थोड़ी देर ही हम उसको मज़ीद पकाएंगे, ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलू तो पके हुए हैं। हाँ जी,
अब इसे ना मिक्स करते हैं। तो अब अच्छी तरह से वीवर्स हम लोगों ने इसको मिक्स करना है, क्योंकि हल्दी मैंने पहले नहीं ना डाली थी, बाद में डाली है हल्दी, टमाटर और प्याज भी। और देखें माशाल्लाह ये कैसा प्यारा कलर इसका, खुशबू भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। धनिया और ये जो हरी मिर्च ये डाली बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब इसे मैं ना अच्छी तरह ना मिक्स करूँगी, पकाऊँगी, बहुत अच्छा बनेगा ये। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी है आलू का भरता पसंद आए कि पसंद है, हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को विदान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाँ जी, ये देखें कितनी अच्छी तरह ना मिक्स हो गए हैं, बहुत प्यारे और जायका भी बहुत अच्छा है। देखें ना, देखने में भी प्यारा लग रहा है कलर, बहुत माशाल्लाह। हाँ बहुत, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, तो बहुत खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। हाँ है खट्टी सी, क्योंकि इसके अंदर टमाटर भी हम लोगों ने दो अदर शामिल किए हैं, तो फ्लेवर बहुत डिफरेंट सा है। और क्योंकि हम लोगों ने पहले आलू के अंदर नमक मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, तो उसके अंदर इसका फ्लेवर जो है बहुत डिफरेंट सा हो गया है। बेहतर कि हम लोग आलू डाल के फिर मसाले डालते तो दैट्स अनदर थिंग, तो वो बिल्कुल ही इसका टेस्ट जो है अच्छा सा डिवेलप हो गया। हाँ जी, आप निकालें। ठीक है, तो ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। हाँ जी, ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारी जो सी आज की रेसिपी है देखें माशाल्लाह बिल्कुल फाइनल हो गई है। इसको रीशॉट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो आप लोग देखें ये जो घी है ये भी इसके साइड्स पे आ गया, इसका मतलब है कि जो हमारी रेसिपी है वो फुल एंड फाइनल हो चुकी है। तो मामा इसको रीशॉट करें। ये देखें ना घी भी आ गया इसके ऊपर अच्छी तरह पक गई। आलू का भरता, मज़ेदार सा भरता बहुत ही माशाल्लाह अच्छा बना है। माशाल्लाह मस्त जायका और खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग इसको ट्राई करें, और बच्चों को तो ऐसे भी आलू बहुत पसंद होते हैं। ये है वीवर इसका फाइनल लुक, गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है और ये आलू हमारे जोन से हैं तैयार हो गए हैं। आज हमने आपके साथ आलू के भरते की रेसिपी शेयर की है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी पसंद आए कि पसंद आए, हमें अपनी फीडबैक दें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआगो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।